हे दे फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो हे दे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सन बात कर रहा हूँ इस सेगमेंट की सबसे ब्यूटीफुल लुकिंग कार की, जो है फोर्ड एंडेवर 2.2 लीटर फोर सिलेंडर वेरियंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे आप देख रहे होंगे इसकी ग्रिल फ़र्क है काफ़ी। जो स्टैंडर्ड ग्रिल है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। जो येली ग्रिल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम फोर्ड F-150 रैप्टर विच सोल्ड इन US एंड इसकी कॉस्ट अराउंड 16-17,000 रुपीज। आई एम नॉट श्योर, आपको वीडियो के एंड में आपको इनका डीलर का नंबर दे दूंगा सो दैट आप कंफर्म कर सकते हैं कि ग्रिल की क्या कॉस्ट पड़ती है। एंड बाय द वे, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्मैशिंग एंड लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड आप देख सकते हैं इसमें HID प्रोजेक्टर लैंस दे रखे हैं विद LED DRLs और साथ में हेडलैम्प वॉशर्स भी दे रखे हैं। सो इट वर्क्स वेरी वेल। And length, width, height, it's absolutely massive. It's around 4.9 meters long, 1.9 meters wide and 1.8 meters tall. And देखिए कितने huge इसके mirrors हैं और इसके जो tires हैं, 265/60 R18-inch wheels which are from MRF Wanderer. And आप देख सकते हैं rear में it's titanium variant 4x2 क्योंकि 2.2 liter में 4x4 variant नहीं available. So let's see the boot space. Quite impressive. अब तीनों सीट्स फोल्डेड अप भी हैं और यहाँ पे देखिए आपने बटन नहीं दे रखा टू फोल्ड डाउन दी सीट्स। एक इसमें फीचर मिसिंग, आपको लीवर के थ्रू ही इसको आपको फोल्ड करनी पड़ेंगी। चलो ठीक है, काफ़ी अच्छी स्पेस, अराउंड 700 लीटर्स की इसमें स्पेस हो जाएगी, तो काफ़ी प्रैक्टिकल है। एंड इसमें पावर टेलगेट दे रखा है सो दैट कन्वीनियंस लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए। एंड इसमें क्वाइट सम फीचर्स है जो मिसिंग है इस वाले वेरियंट में एंड 3.2 लीटर वेरियंट में। मैं पहले ही मैंशन कर दूँ, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है स्टैंडर्ड मैनुअल वेरियंट अब डिसकंटिन्यू कर दिया ड्यू टू प्योर सेल्स। सो इसमें फोर्ड ने काफ़ी वेरिएशंस किए वेरियंट्स के साथ क्योंकि थोड़े सा फीचर्स में इसमें चेंजेस में, पहले इसमें सनरूफ नहीं आती थी 2.2 लीटर वेरियंट में, अब इसमें सनरूफ भी इंक्लूड कर दी गई है। सो जैसे इसमें कुछ फीचर्स नहीं दे रखे, जैसे कि मैं बात करूँ इसमें नॉइस कैंसलेशन फीचर है, वो काफ़ी हाईटेक फीचर है तो वो इसमें नहीं दे रखा। तो मैं बात इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इट्स अराउंड 80 लीटर्स। एंड मैं थोड़े इंजन स्पेक्स की बात करूँ, इट्स 2.2 लीटर TDCI विच 160 PS एट 3200 RPM एंड 385 NM ऑफ टॉर्क एट 1600 to 2500 RPM। ऑफकोर्स इट्स अ 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विथ 4x2 मोड एंड इसमें क्रोम रॉयल्स हैंडल के साथ। लेट्स चेक आउट द इंटीरियर। सो लेट्स ओपन द डोर। ये हमेशा गाड़ी लॉक हो जाती है। सो काफ़ी ऊंचा है, आपको केयरफुल यहाँ पे साइड में हैंडल बार्स दे रखे हैं सो दैट यू कुड क्लाइम ईजिली। देख सकते हैं पूरी सीट्स पीछे हो रखी है, मेरी हाइट अराउंड 5'10" सो काफ़ी अच्छी स्पेस है। आगे सीट करेंगे तो यू फील मोर कम्फर्टेबल एंड प्लश। एंड साइड में इसमें रियर AC वेंट्स दे रखे हैं तो और काफ़ी कम्फर्टेबल जगह दे रखी हैं और काफ़ी अच्छी जगह दे रखी है। एंड इसमें पैनोरामिक सनरूफ दे रखी है जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें देखिए नॉइस कैंसलेशन फीचर नहीं दे रखा, इसमें एडिशनल माइक्स दे रखे हैं और देख सकते हैं इसमें 1 लीटर बॉटल होल्डर्स आराम से आ सकती हैं। एंड लेट्स चेक आउट द ड्राइवर्स सीट। और उससे पहले दिखा दूँ आपको नीचे पावर सीट्स हैं विच आर 8-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और इसमें Sync 3 म्यूजिक सिस्टम दे रखा है विच इज़ अपडेटेड नाउ और इसमें ऑटो डिमिंग IRVMs भी अवेलेबल है। पहले एंडेवर की मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है इसकी स्पेस और इसका कंफर्ट लेवल, इट्स वे मोर बेटर देन फॉर्च्यूनर बिलीव मी। एंड लेट्स चेक आउट दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। उससे पहले दिखा दी स्टेयरिंग व्हील, इट हैज़ 22 बटन्स ऑन इट, मतलब मैं सारे फीचर्स रखे क्रूज कंट्रोल के लिए और मेन्यू में आपके इनपुट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मेन्यूज आपको स्टेयरिंग माउंटेड के ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स क्रूज कंट्रोल सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं। जैसे मैंने कहा इसमें टोटल 22 बटन्स हैं। ये इसका Sync 3 म्यूजिक सिस्टम, इट हैज़ एब्सोल्युटली गुड साउंड क्वालिटी और इसका AC भी यहीं से कंट्रोल हो सकता है। अब इसमें नेविगेशन दे दिया गया है, पहले इसमें नेविगेशन नहीं था जो Sync 2 था जब 2016 में लॉन्च हुई थी, एटलीस्ट अब इसमें ऐड कर दिया गया है।
होप यू लाइक द ऑडियो सिस्टम ऑफ दिस कार। एंड अब देख सकते हैं इसमें, अब आपको मैं कैमरा इसका शो करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे इसमें डायनेमिक गाइडलाइंस दे रखी हैं, तो काफ़ी एडवांस कर दिया गया है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। पहले जो इसमें नेविगेशन की कॉस्ट थी अराउंड 1.2 लाख रुपीस का था, बट एटलीस्ट इसमें अब स्टैंडर्ड कर दिया गया है। एंड इसमें लेदर टेक्सचर दे रखा है विद वाइट स्टिचिंग विच ऑल्सो एड सम लग्जीरियस फील। एंड इसमें ड्यूअल ग्लव बॉक्स नहीं दे रखा, वेरी सैड। और मेरे को इसमें सबसे बेस्ट फीचर यही लगता है इसका सनरूफ, क्योंकि काफ़ी लग्जीरियस लगता है, काफ़ी कूल लगता है फीचर, और थोड़ा सा एरियनेस में भी इम्प्रूव करता है। एंड आप देख सकते हैं इसके बटन्स, मैंने पूरी सनरूफ नहीं ओपन की है, और आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी आप ओपन कर सकते हैं, फिर यहाँ से पूरी भी ओपन कर सकते हैं। इसमें 5 कलर अवेलेबल है, ब्लैक, वाइट, रेड, सिल्वर और ग्रे। नाउ लेट्स चेक आउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ए ट्विन LCD स्क्रीन्स हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, और इसमें कोई इसमें डिजिटल RPM गेज दे रखा है इंस्टेड ऑफ लाइक नॉर्मल, जैसा कि आप देख सकते हैं राइट में RPM गेज दे रखा है, लेफ्ट में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ही कंट्रोल्स हैं। नाउ लेट्स टर्न इट ऑन। वैसे की फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 6 to 7 KPL होगी अराउंड, आप देख सकते हैं इसमें 7000 RPM के साथ। अब मैं टॉगल करता हूँ इसमें डिस्प्ले मोड, और काफ़ी फीचर लोडेड है इसमें। देखिए डिस्टेंस टू MT और डिजिटल स्पीडोमीटर, फिर अब इसमें ट्रिप कंप्यूटर वन एंड ड्राइवर असिस्ट, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, लाइक क्वाइट हेल हफन एडवांस है। अब देख सकते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दे रखा है। नाउ चेक लेट्स चेक आउट द लेफ्ट वन। इसमें नेविगेशन दिखा रहा है विद कंपास। अब एंटरटेनमेंट में जाके इसमें ऑडियो सिस्टम ऑफ, और इसमें अपना फ़ोन कनेक्टिविटी भी दिखाएगा, सो इट्स एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव। वेल इसमें 7 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड दे रखे हैं, विच ऑल्सो एड्स इन सेफ्टी, बिकॉज फोर्ड जानी जाती अपनी सेफ्टी, वो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एंड इसकी की है, इसमें एक स्पेशल फीचर है विच इज़ फोर्ड माइक की, वो आगे चल के आपको बताता हूँ इसका क्या फीचर है। वैसे मैं इसका मैंने मस्टैंग की वीडियो में भी इसको एक एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। और लॉकेबल ग्लव बॉक्स, इसमें ड्यूअल ग्लव बॉक्स नहीं दे रखा है लाइक इन फॉर्च्यूनर, और ये कूल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अब लेट्स देख दरवाजे से उतर के देखते हैं कि कितना फ़र्क है। एंड जो इसमें 1.5 लीटर इसमें बॉटल होल्डर्स की कैपेसिटी है, और इसमें ऑटो अप डाउन फॉर विंडोज़ के लिए भी फीचर अवेलेबल है। ये इसके लाइट के कंट्रोल्स फॉर हेडलैम्प्स, इसमें ऑटो हेडलैम्प्स का भी फीचर अवेलेबल है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलैम्प लेवलिंग का भी ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बूट ओपन करने का भी ऑप्शन है, और ये यहाँ पे मिरर्स फोल्ड करने का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। एंड आप देख सकते हैं इसकी 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, तो काफ़ी लगूंगा फीचर लोडेड है। फॉर्चुनर में भी कुछ फीचर्स ज़्यादा है, कुछ फीचर्स कम है, इसमें भी वही सीन है, इसमें भी कुछ फीचर्स ज़्यादा कुछ फीचर्स कम हैं। सो लेट्स गो फॉर अ स्पिन, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। मैं आपको पहले बता दूं मैंने 3.2 लीटर वेरिएंट भी ड्राइव किया हुआ है, 2.2 लीटर वेरिएंट में फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों का ड्राइव किया, मैं आपको दोनों का एक एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, बट मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑफ रोडिंग सीन्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि यार 4x4 वेरिएंट है, तो ऑफकोर्स मैं थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग भी करूँगा, तो इट विल बी फन। सो कमिंग टू द पॉइंट, वैसे तो राइड क्वालिटी सिमिलर, वैसे क्वाइट ज़्यादा स्मूथ है 2.2 लीटर एज कम्पेयर टू 3.2 लीटर, गियरिंग भी गुड, बट इसमें एक फीचर मैं मिस करता हूँ, वो है पैडल शिफ्टर्स का। आई डोंट नो व्हाई फोर्ड ने वो उसको नहीं दिया, फॉर्चुनर में फीचर अवेलेबल है ये, बट इसमें टिप्ट्रॉनिक मोड है, तो आप इसमें मैनुअल मोड से आप कंट्रोल कर सकते हो, इसमें स्पोर्ट्स मोड भी दे रखा है। वेल आपको सिटी में चलानी है या ओकेजनली हाईवे पर ड्राइव करनी है, यू शुड चेक इन आउट, डेफिनेटली चेक आउट दिस वेरियंट 2.2 लीटर, अगर आपको ज़्यादा ऑफ रोडिंग का नहीं है तो। ऐसे अराउंड प्राइस में भी अराउंड काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क है, अराउंड 3 to 4 lakh रुपीज़ का फ़र्क है। सपोज़ इसकी प्राइस अराउंड 32 lakhs, तो उसकी प्राइस अराउंड 36 lakh रुपीज़, मेरे एक अंदाज़ा है, आपको एग्जैक्ट प्राइसेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एक शोरूम। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक रैपिड ब्रेकिंग सीन आ गया था आगे, कोई सामने से आ गया था कोई रेकलेस ड्राइवर, सो मैंने फ़ौरन ब्रेक मारी, तो ABS अच्छी तरह से काम करता है, एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव इसका ब्रेकिंग, एब्सोल्युटली लव दिस।
बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छी परफॉर्मर है कार, स्टेयरिंग भी काफ़ी लाइट है, गियरिंग भी इट्स गुड। मैं बात करूँ हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, मैंने इसको अराउंड 150 किलोमीटर्स ड्राइव किया किलोमीटर पर आर, और काफ़ी स्टेबल लाइक कार, मतलब फोर्ड की गाड़ी तो काफ़ी स्टेबल होती हैं, बट दिस वन इज़ नो एक्सेप्शन। बाकी की मेरे मन ओपिनियंस हैं इस कार के लिए, दिस कार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्स अगर बात करूँ विद एस यू वी एज आर कंसर्न। तो आपको मैं कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना है कि विच कार डू यू लव मोस्ट, फॉर्चुनर और एंडेवर। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, सो सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियोज। एंड मैं 3.2 लीटर वेरियंट के लिए भी कुछ स्पेशल करूँगा, एंड उससे पहले एक यू टर्न लेके देखते हैं, एंड देखिए इजीली टर्न हो गई। सो गुड बाय माय फ्रेंड्स।